सरपड़ा बाइक ले लो सर। आप लेकिन उधर था आज प्रातः सबसे पहले आते हमने भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ में प्रदान किया है और ये सभी हमारा अधिकार है और हम सभी लोगों से अपील भी करते हैं जिस तरह नाम वोटर लिस्ट में है वो तत्काल अपने जो उनका पोलिंग बूथ है वहाँ पर जाए और मतदान करें और अधिक से अधिक संख्या में पोलिंग हो ऐसा हमारा विश्वास है और हम लोग विभिन्न मतदान केंद्रों से अब तक 3 दर्जन से अधिक लोग जो फर्जी मतदान करने का प्रयास कर रहे थे, फर्जी वोटर कार्ड लेके आधार कार्ड लेके आए थे, अधिकांश महिलाएं और एक आध प्रत्याशी भी पकड़े गए हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, वहां उनका एजेंट भी था, वो भी जबरदस्ती मतदान केंद्र में काफी देर से टिके हुए थे, लोग उनका विरोध कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, उनको भी डिटेन किया गया। क्या कोई प्रत्याशी पकड़ा गया? जी अभी यहाँ मिफ्ताउल मदरसा से चौक के पास से यहाँ प्रत्याशी जो लगातार भीतर बने हुए थे जबकि उनका एजेंट था, उनकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए उनको रोका गया। सर जो वोट देने आ रहे हैं कैसे उनको चेक किया जा रहा है, कैसे बायोमेट्रिक क्या संदेह है? होने पर और फिर बायोमेट्रिक से चेक कर लिया जा रहा है, नाम पता पूछ के, तो जिसपे संदेह हो रहा है तो उसमें से कुछ लोग निश्चित रूप से मिल जा रहे हैं। आधार कार्ड का भी मिलान किया जा रहा है, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक से मिलान किया जा रहा है जब संदेह हो रहा है। तो कितने लोगों को पकड़ा गया? 1 दर्जन से अधिक लोग पकड़े गए हैं, उसमें अधिकांश महिलाएं हैं। क्या सर साहब सबकी निगाह मतलब फर्जी मतदाताओं पे है? ये स्वच्छ मतदान के लिए और लोकतंत्र के लिए फर्जी मतदान को रोकना हमारा दायित्व है सबका, तो काम हम कर रहे हैं और उसमें जो फर्जी मतदान करने आ रहे हैं प्रयास कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है।